कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जिसे हम सोसाइटी कहते हैं, वो हमसे इतनी अलग क्यों हैं? और अगर वो हमारी सोच से इतनी अलग है, तो क्या वो गलत है? और अगर वो गलत है, तो इतनी आम क्यों है? गलत जैसे कुछ चीजें होती ही नहीं, बस हमारी सोच, समझ और अपब्रिंगिंग अलग होती है, क्योंकि जिसे हम गलत कह रहे हैं, हम भी तो उसी का हिस्सा हैं। बस कुछ चीजें होती है जिसे हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता और हम कहते हैं कि ये गलत है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरी बातों से एग्री करोगे, बट मेरे ख्याल से चाइल्डहुड इज बेस्ट फेज ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि तभी हम कुछ करने या बोलने से पहले उसके एक्शन या रिएक्शन के बारे में सोचते नहीं थे। खैर, कुछ लोग तो अब भी नहीं सोचते। नाउ माय पॉइंट इज दैट कि आपके अनुसार जीवन के उस पड़ाव का अंत कब होता है? क्या उसके लिए सोसाइटी के कोई एक रूल बुक में डेट या टाइम लिखी गई है? फॉर श्योर नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे भी हो सकती है, फाइनेंशियल, स्टडी, फैमिली या कुछ भी। मेरे ख्याल से हमारा बचपन वही खत्म हो जाता है जहां हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या मायने रखता है, कि क्या नहीं करने पर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकते। बट कुछ लोग नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि जो है जैसा है बस ऐसा ही रहे हमेशा। उन्हें डर लगता है कि अगर ये बदल गया तो क्या होगा। पर परिवर्तन तो संसार का नियम है, वो एक ना एक दिन तो होकर रहेगा। बट उस चेंजेस में हम कैसे सरवाइव कर पाते हैं, दैट्स अ लाइफ। कुछ शोज हैं जो मैं हर किसी को रेकमेंड नहीं करता, एंड वेलकम टू द एनएचके इज वन ऑफ देम, क्योंकि ये अटैक ऑन टाइटन जितना ग्रेट नहीं, नारुतो जितना इंस्पिरेशनल नहीं, और ना ही ये डेथ नोट जैसा थ्रिल से भरा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ हमें एक रियलिटी दिखाता है उनके बारे में जो कि एक हिकिकोमोरी होते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक हिकिकोमोरी क्या होता है। हिकिकोमोरी एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो महीनों सालों तक अपने माँ बाप का घर नहीं छोड़ता, ज्यादा सोशलाइज नहीं करता, स्कूल, जॉब, कॉलेज वो कहीं जाना पसंद नहीं करता, वो सिर्फ अकेले रहना पसंद करता है एकांत बंद कमरे में। वेलकम टू दी एनएचके भी हमें एक ऐसे ही हिकिकोमोरी की कहानी को दिखाता है। तत्सुहिरो सातो, जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, अपने माँ बाप से दूर टोक्यो में मीटा हाउस नामक अपार्टमेंट में रेंट में रहता है। सातो के पास करने के लिए काम नहीं, पढ़ने के लिए पढ़ाई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है। दिन भर खाना पीना, टीवी देखना, सोना, फूकना, बस यही उसकी लाइफ है। चूंकि सातो ज्यादा सोशलाइज नहीं करता, इसीलिए दोस्त कहने के लायक उसके पास कोई शख्स नहीं। पर दो ऐसे भी शख्स हैं जो सातो की मदद करना चाहते हैं। यामाज़ाकी, जो सातो का स्कूल जूनियर था और इत्तेफाकन वो पड़ोसी भी है। मिसाकी नाकाहारा, जो कि सातो को इस सिचुएशन से बाहर लाना चाहती है। मिसाकी, जो कहती तो जरूर है कि वो सातो की मदद करेगी, पर उसे सिर्फ बैठाकर काउंसलिंग करने लगती है, जिसका कहीं से भी सातो पर असर नहीं होता। टेक्निकली ये पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि सातो जो सालों से ही कुमोड़ी बनकर जी रहा है, वो अचानक से मिसाकी की बातों को सुनकर मोटिवेट नहीं हो सकता, और ना ही वो अपने सिचुएशन से बाहर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 24 एपिसोड का शो हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि अगर आप हिकिकोमोरी बनने की कगार पर हो या फिर बन चुके हो तो कैसे उन सबसे बाहर आए। नहीं, ये इतना मोटिवेटेड भी नहीं है। ये सिर्फ दिखाना चाह रहा है कि क्या रीजन थे जिससे सातो हिकिकोमोरी बना, और वो बनकर कैसे सर्वाइव कर रहा है, कि क्यों सातो ने खुद को आइसोलेट कर लिया, और आइसोलेट करने के बाद भी क्या उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। बस इस शो का मोटो इतना ही है। कुछ भी बहुत जोर जबरदस्ती दिखाने की कोशिश नहीं की गई है कि ऑडियंस के दिमाग में प्रेशर आ जाए, और कोई एक ऐसा भी नहीं है कि सातो अपनी पूरी कोशिश नहीं करता, नहीं, वो पूरी कोशिश करता है। उसकी कोशिशों की नाकामी की वजह ये होती है किसी और को देखकर या सुनकर वो उसने ये सब काम किया, और अपने प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए भी वो ऐसी तरकीबें चुनता था जिसमें उसे खुद को सोशलाइज ना करना पड़े। क्या सातो की ऐसी हालत के लिए पूरी तरीके से सोसाइटी को ब्लेम किया जा सकता है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करता हूँ कि सोसाइटी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है सातो की ऐसी हालतों के लिए, बट सातो भी अपने हालतों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद है। सातो एक आलसी था जो जल्दी गिव अप कर देता था। देखो, बात इतनी सी है कि हम अपने प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह खुद होते हैं। सोसाइटी तो सातो ढूंढती ही है, ऐसी सातो जिसे वो नीचा दिखाकर खुद को ऊपर बता सके, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम वो सातो ना बने। हाँ, मैं इस बात को भी मानता हूँ कि गिव अप करने की अपनी अपनी वजह होती है। कुछ लोग डटे रहते हैं, लगे रहते हैं अंत तक, जब तक कि पूरी तरीके से वो सक्सेस ना कर जाए, और कुछ लोगों को हालात और मजबूरियां मजबूर कर देती है कि उन्हें छोड़ना ही पड़ता है अपने सपने को, अपने एम्बिशन को। यामाज़ाकी, भले ही सातो की तरह इसकी भी कुछ गंदी आदतें जरूर हैं, बट सातो जितनी नहीं, लेकिन इसके अलावा इसके पास अपना एम भी है जिसे पूरी करने के लिए वो पूरी कोशिश करता है।
चाहे मजबूरियां कितनी भी मजबूर कर दे, यामाज़ाकी हार नहीं मानता। लोग उस पे हंसे या फिर उसका मजाक बनाए, यामाज़ाकी कभी हार नहीं मानता, चाहे वो कितनी भी बेवकूफी वाला काम क्यों ना कर रहा हो। बट उस काम को वो अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ करता है। यामाज़ाकी की तरह ही और भी किरदार है इस शो में, और सभी को एक अच्छे एंड पर लाकर भी खत्म किया गया है। इस शो के सभी कैरेक्टर को इतने रियलिस्टिक वे में पोर्ट्रे किया कि किसी और पर मत दो। किसी काम को करने या ना करने का कोई भी सही या गलत वक्त नहीं होता है, बस एक ही वक्त होता है, वो है अभी के अभी। मेरे एक टीचर ने मुझसे कहा था कि एवरीबॉडी कैन सी देयर फ्यूचर, बस आपको इतना ही करना है कि आपके अभी जो एक्शंस हैं उन पे नज़र डाल लो। मुझे नहीं पता कि मैं ये सब बकवास बातें क्यों कर रहा हूँ, पर हो सकता है कि मैं इस शो से ज़्यादा कनेक्ट कर गया, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरी सारी बातें सच हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि लोग काफ़ी जज करने लगे हैं, लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट आप ऐसे लोगों को सिर्फ दो ही शब्द कहो और अपने काम में लग जाओ, क्योंकि यू कांट चेंज द पीपल अराउंड यू, बट यू कैन चेंज द पीपल अराउंड यू। सबसे बड़ी बात यह है कि जापान में हिकिकोमोरी जैसा शब्द बना तो है, लोग वहाँ वाकिफ तो हैं इस शब्द से, लेकिन हमारे इंडियन टिपिकल सोसाइटी में तो ऐसा कोई वर्ड भी नहीं है। और आखिरी बात कि आपको खुद से ज़्यादा इंस्पायर कोई नहीं कर सकता। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। अगर आप एक ब्लैक कॉमेडी साइकोलॉजिकल स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा शो देखना चाहते हैं, देन वेलकम टू दी NHK इज परफेक्ट शो फॉर यू। और हाँ, चूंकि ये एक एक्शन एडवेंचरस शो नहीं है, तो इसके एनिमेशन को जज करना कहीं से भी नाइंसाफी होगी। चलिए फिर आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो को मिस ना कर पाओ। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मिलते हैं फिर। बाय बाय, सायोनारा। दुनिया भी मिसाल देखे, कलम के कमाल देखे, तेरा बुरा हाल देखे, सुन मेरे लाल तू भी चलेगा विचार, बेटे चेक मेट में हूँ तेरा डेथ बेड, बेबी तेरी वेट वेट नहीं होता मैं सेट वेट, नहीं होते लेफ्ट वेट, क्योंकि मेरी नेटवर्क पहले मेरे नेटवर्क, I'm the one who raps love।